द्वार भक्ति के खुलेंगे, तार गुरुवर से मिलेंगे, द्वार भक्ति के खुलेंगे, तार गुरुवर से मिलेंगे, गुरु गुण गाते गाते भक्ति के साज सजेंगे, द्वार भक्ति के खुलेंगे, तेज तपते सूरज का, शीतलता चंद्रमा की, सिंधु की गहराई थी क्षमा धरती माँ की, तेज तपते सूरज का, शीतलता चंद्रमा की, सिंधु की गहराई थी क्षमा धरती माँ की, दिव्यता भव्यता पर कवि क्या लिख सकेंगे, दिव्यता भव्यता पर कवि क्या लिख सकेंगे, गुरु गुण गाते गाते भक्ति के साज सजेंगे, द्वार भक्ति के खुलेंगे। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब स्थानकवासी जैन समाज के मूर्धन्य मनीषी है, वे चारित्र संपन्न कुशल धर्मनायक है, श्रुत संपन्न सुदक्ष विद्या प्रसारक, आगम की भाषा में सुय संपन्नेवी, सील समन्नेवी, ज्ञान एवं चारित्र के धनी है। आचार्य देव की मुख मुद्रा कितनी सरल और भद्र, हृदय उसमें भी अधिक विनम्र और मधुर, और वाणी तो मिस्री की डली, जो कुछ बोलते गंभीर चिंतन के साथ, शब्दों को तोलकर भावों को व्यवस्थित करके, यही कारण है कि उनके वचन अपने आप में एक सुभाषित से सुक्ति से प्राचित होते, शब्दों को लघु काया में भावों का विराट वैभव छिपा रहता है। आगमों में आचार्य की आठ संपदा बताई गई है, उनमें एक है वचन संपदा। वचन संपदा का अर्थ है वचन कला में निपुणता। आचार्य श्री जी ऐसे वचन बोलते जो सबको प्रिय, हितकारी और आदरणीय हो। उनके वचन का प्रभाव ऐसा होता, उनकी वाणी में विद्युत आकर्षण होता। आचार्य प्रवर श्री आनंद ऋषि जी महाराज सा वास्तव में ही वचन संपदा संपन्न आचार्य। उनकी वाणी सुनने तो ऐसे लगता है कि इनके शरीर के कण कण में शास्त्रों का ज्ञान, जीवन का अनुभव और जगत का पर्यालोचन भरा है। उनका एक एक वचन बहुमूल्य सारपूर्ण तथा बोधप्रद होता। वे बोलते तो बड़ी गंभीरता, युक्ति, सुक्ति का समावेश हो जाता, लगता उनका प्रत्येक वचन एक प्रकार का सुभाषित, भाषा की दृष्टि से लंबी उक्ति की अपेक्षा संक्षिप्त वाणी अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। जितनी संक्षिप्त बात होगी उसमें विचार और ज्ञान और अनुभव उतना ही ठोस होगा। रस्किन जैसे विचारक ने इसलिए कहा है, जो कुछ कहो संक्षेप में कहो, वरना पढ़ने वाला उसे छोड़ता जाएगा, सुनने वाला वहां से चला जाएगा। जहां तक हो सके सादे शब्दों में कहो, वरना श्रोता मतलब नहीं समझेगा। और गुरुदेव की वाणी ऐसी थी जो मीठी मधुर थी, और हर व्यक्ति चाहता था बस उसे सुनते ही चले जाए। गुरुवर के जीवन में ऐसे अनेकों गुण भरे हुए थे,
कि जिनकी दिव्य दृष्टि संपन्न ऐसे गुरुदेव, गुरु हमारे अंतर चक्षु खोल देते हैं, हमें श्रवण योग्य बना देते हैं। चक्षुओं से तो सब देखते ही है, लेकिन उन आंखों से देखना कि जिसे देखो वह निहाल हो जाए, उन कानों से तो आप भी सुनते हैं और हम भी सुनते हैं, लेकिन उन कानों से सुनना कि जिसको सुना उसकी पीड़ा समाप्त हो गई। गुरुदेव के पास ऐसे दिव्य कान और ऐसी दिव्य दृष्टि थी। 1975 का चातुर्मास घोड़ नदी चल रहा था। दोपहर के 2:30 बजे का समय, छोटे से हॉल में पार्टीशन करके कमरा बनाया हुआ और वहां गुरुदेव पट्टे पर विश्राम कर रहे थे। अचानक गुरुदेव उठकर बैठ गए और मंगल पाठ सुनाना शुरू किया। जब मंगल पाठ पूरा हुआ तो पूछा, गुरुदेव आप किसे मंगली फरमा रहे थे? गुरुदेव ने कहा, जो सुनना चाहता था उसको सुना दिया। कमरे का दरवाजा खोला, हॉल में आए, वहां कोई नहीं था। हॉल का दरवाजा खोलकर बाहर आए तो देखा कि वहां दूली चंद जी बाफना अपने परिवार के साथ खड़े थे। पूछा, क्या बात है? बोले, अचानक सातारा जाने का प्रसंग आ गया, आपात स्थिति में जाना पड़ रहा है। गुरुदेव का मंगल पाठ सुने बिना जाने का मन नहीं था। इस समय में कैसे मांगलिक मिले, इसलिए दरवाजे पर आए, हाथ जोड़े और गुरुदेव से मंगल पाठ मांगा। इस तरह वे मंगल पाठ लेकर वंदना करके जा रहे थे। वे कान और वह जबान जिसके पास होती है वह भगवान बनता है। केवल चमड़ी के कान और चमड़ी की आंख वाला भगवान नहीं बनता है। जिसके पास बिना बोले सुनने के कान होते हैं, बिना देखे देखने की नजर होती है, वे भगवान होते हैं। ऐसे एक नहीं सैकड़ों प्रसंग है। 1991 की बात है, उस समय गुरुदेव की आवाज बहुत धीमी पड़ गई थी। दर्शनार्थी आते दर्शन करते और गुरुदेव केवल हाथ उठा दिया तो भी बहुत हो जाता, गुरुदेव स्वयं में ही लीन रहते थे। एक बार की बात, रात के 11 बजे का समय, गुरुदेव सोए हुए थे, संत श्रावक वही बैठे हुए थे। गुरुदेव ने लेटे लेटे ही व्याख्यान शुरू कर दिया। इतनी साफ सुथरी आवाज की जो श्रावक वहां थे उन्होंने उस आवाज को रिकॉर्ड कर लिया। गुरुदेव अपने प्रवचन की पूर्णाहुति पर बोला करते थे कि जो धर्म का पालन करेंगे वे इस लोक में भी सुखी होंगे और परलोक में भी सुखी होंगे। जैसे ही यह वाक्य पूरा हुआ, मस्तिष्क में प्रश्न खड़े हुए। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आप किसे व्याख्यान सुना रहे थे? गुरुदेव ने फरमाया कि जो सुनने के लिए आए थे उनको सुना दिया। गुरुदेव के जीवन की ऐसी कई घटनाएं हैं जो अपने आप, जिनकी साधना ऐसी थी कि अपने आप सामने वाले के कष्ट संकट दूर हो जाते थे और वह आनंद की अनुभूति करता था। ऐसे पूज्य गुरुदेव आचार्य आनंद श्री जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में कोटिशः वंदन। जय आनंद।